सपने तुमसे क्यों सच छुपाया, क्यों मुझे धोखे में रखा, क्यों? बता क्या जवाब दूं मैं? नाना बोल, क्या 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 जवाब दूं मैं? चुप क्यों हो वरुण? तुझसे डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि तुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा था ना उन्होंने कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी शादी करना ठीक नहीं होगा, ये कहा था ना, फिर भी तूने ये बात हमसे छिपा कर रखी। बोलो, ऊपर से मुझे बोलता रहा, नहीं पापा कोई बीमारी नहीं है, अब दवाई भी नहीं खानी है मुझे, लेकिन अंदर अंदर चुप कर दवाई लेते थे। क्यों हमारी आंखों में धूल झोंका तूने? हम सभी की आंखों में। बोल बोल, तूने ये झूठ क्यों बोला? बता। वरुण, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये झूठ क्यों बोला तुमने? मनीष के पापा, उसकी तबीयत ठीक। तुम चुप रहो। तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। कुंदन अग्रवाल, इस कुंदन अग्रवाल ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और आज वही कुंदन अग्रवाल तुम्हारी वजह से बहू के सामने सर झुका के खड़ा है। और ये मैं बर्दाश्त कर रहा है। अपनी बहू के सामने सर झुकाकर खड़े रहने से तो बेहतर है मैं मर जाता। आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ वरुण? मैं तब से तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? जवाब दो वरुण, जवाब दो, जवाब दो। सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों इस तरीके का बर्ताव करते हैं मेरे साथ? क्यों इस तरीके का रवैया होता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, दुकान में मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं दुकान जाता हूं तो भैया मेरी बीमारी की दुआई देकर मुझे कोई काम करने नहीं देते, ना डिलीवरी लाने भेजते हैं, ना पेमेंट लेते, मुझे हर बार बस ये जताया जाता है कि किसी को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं, मैं किसी काम का नहीं। इसीलिए बोलना पड़ता है झूठ। अगर मैं आप सबको ये बता देता कि मैं शादी करने के लायक नहीं, तो आप सबकी नजरों में जो मेरी रही सही वैल्यू वो भी खत्म हो जाती। कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पापा आप ही कहते हैं ना, मेरी बीमारी की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समाज में बात फैलनी नहीं चाहिए, घर के बाहर बात जानी नहीं चाहिए। बस इसीलिए मैंने ये बात छुपाई।
झूठ नहीं बोलना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था मैं झूठ, लेकिन आप सबके बर्ताव ने मुझे मजबूर कर दिया झूठ बोलने के लिए। इसका मतलब अरुण ने सिर्फ मुझसे ही नहीं अपने पूरे परिवार से भी झूठ बोला है। वाह वाह बेटा, वाह वाह, क्या मौका ढूंढा है तुमने अपनी भड़ास निकालने का। वरुण, झूठ बोलते वक्त तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि इस झूठ से तुम्हारा परिवार बदनाम हो सकता है? ये बच्ची गेंदा क्या सोचेगी? ये तो यही सोचेगी ना, पूरे अग्रवाल परिवार ने मिलकर ये षड्यंत्र रखा है, तुम्हें तुमने। पापा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप सब से। मैं जानती हूं अगर आपको सच पता होता तो आप ये शादी नहीं होने देते। वरुण मेरे पति है, अपने पति का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। आप प्लीज वरुण को माफ कर दीजिए। और किसी के मन में आपके लिए इज्जत हो या ना हो, मेरे मन में पहले भी आपके लिए इज्जत थी, है, हमेशा रहेगी। अनुराधा, चलो इसे इसके झूठ के साथ यहीं खड़े रहने दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।
बहुत बड़ी गलती हो गई गेंदा। गलती ये नहीं कि मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुमसे झूठ कहा, वो गलती तो इस गलती के सामने बहुत छोटी लग रही है। मेरी गलती तो ये है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। जिस परिवार में अपनी इज्जत अपनी जगह बनाने के लिए मैं हमेशा झूठ बोलता रहा, उसी परिवार के सामने आज मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। क्या प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे बस एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। पता है वरुण, मुझे सिर्फ एक ही चीज से बहुत नफरत है, पर झूठ जो ना सिर्फ आपने मुझसे कहा बल्कि अपने पूरे परिवार से भी कहा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किन्ना देखो, ऐसा मत करो। किन्ना मुझे एक मौका दे दो, किन्ना मेरा विश्वास करो। मैं तुम वरुण, झूठ की मिट्टी में विश्वास का पौधा कभी नहीं पनप सकता। तुम्हारी इस आस्था और भक्ति से तंग आ चुका हूं मैं। ये नहीं खाना तुम्हारा प्रसाद वसाद। जी तो लगा था आप मुझे जिस घर में बहू बनाकर भेज रहे हैं वहां सब आपकी सीखों को साथ लेकर चलते होंगे, पर यहां तो मेरे रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई। Thank you.
मैं इस घर में ना अकेले आई थी, ना अकेले जाऊंगी, आपको साथ लेकर जाऊंगी। मैंने हमेशा आपकी सीखों पे चलते हुए सच का साथ दिया है, पर उनके इतने बड़े झूठ के बाद मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, और इसीलिए मैं जा रही हूं यहां से आपको लेकर। चाची, आप कहाँ जा रही है चाची? आप मत जाओ चाची, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चाचू को सबने बहुत डांटा है और वो रो भी रहे हैं। मुझे भी जब डांट पड़ती है तो भी मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन कोई ना कोई आके मुझे चुप करा देता है, लेकिन चाचू को तो कोई चुप नहीं करा रहा। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मुझे हर बार बस ये जताया जाता है कि किसी को मेरी कोई जरूरत ही नहीं। कितना मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे बस एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। चाचू को चुप कराओ ना चाची, चलो ना चाची।